नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और राज कपूर का है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में थी। अमिताभ बच्चन ने एक बार बताया था कि स्पेन से राजेश खन्ना के फैन उनसे मिलने आया करते थे। वहीं धर्मेंद्र ने तो यहां तक कह दिया था कि सुपरस्टार वाला तौर तरीका फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ राजेश खन्ना को आता है। बावजूद इसके, राजेश खन्ना डायरेक्टर राज कपूर की फिल्म में काम करना चाहते थे और उन्हें एक मैसेज तक किया था। राजेश खन्ना के कई बार कहने के बाद भी राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लिया था। राजेश खन्ना ने एक मैसेज भिजवाया था कि मैं आपकी फिल्म में काम करना चाहता हूं। राज कपूर के बेटे और दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर ने इससे जुड़ा किस्सा एक बार एक इंटरव्यू में सुनाया था। ऋषि कपूर ने कहा था, मुगले आजम की शूटिंग के दौरान मैं सेट पर था, लेकिन मेरा ध्यान यूसुफ साहब में नहीं बल्कि वहां पर पड़े हथियारों में था। कि आसिफ साहब ने मुझे वो सब चीजें दिखाई, मेरे घर पर इंडस्ट्री के बड़े लोग आते जाते रहते थे, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि फिल्म के सेट पर शूटिंग देखनी है। इसी बीच जब ऋषि कपूर से सवाल होता है कि बहुत बड़ी फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई, कैसा रवैया था राज कपूर साहब का, तब ऋषि कपूर कहते हैं कि मेरा रवैया ऐसा था कि फ्लॉप हो गई तो क्या मेरा चैप्टर तो पूरा हो गया, खूब पसंद किया गया जो भी कैरेक्टर था मेरा। राज कपूर साहब ने इसके बाद लव स्टोरी बनाने का फैसला किया। उस वक्त हर एक्टर और एक्ट्रेस पागल थे राज कपूर के साथ काम करने के लिए। मुझे याद है कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने न जाने कितने खत भेजे थे राज कपूर को कि हमें अपनी फिल्म में ले लीजिए। ऋषि कपूर कहते हैं कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर तो कहते थे कि हम पैसे भी नहीं लेना चाहते, बस आपके साथ काम करना चाहते हैं। राज कपूर साहब को किसी ने डिंपल से मिलवाया। फिल्म का नाम था बॉबी, मैं तो था ही उसमें। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। डिंपल ने शादी कर ली और फिल्में छोड़ दी। फिल्म रिलीज होने के बाद उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिला। फिल्म का पूरा क्रेडिट डिंपल को जाना चाहिए था क्योंकि वो फिल्म मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं हुई थी, तो ऐसा होना ही था। लेकिन डिंपल ने अचानक शादी कर ली और इस फिल्म का पूरा क्रेडिट इसके बाद मुझे मिल गया। लेकिन उस दौर में ये बात सच है कि राज कपूर साहब के साथ हर एक्टर, हर हीरोइन, हर हीरो काम करना चाहते थे। और राज कपूर का कद ऐसा था कि राजेश खन्ना ने तो खत लिखकर कहा था कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, भले आप मुझे पैसे मत दीजिएगा। आपको राज कपूर की कौन सी फिल्म पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंतजार रहेगा, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।